1.2x plus 18y25 is equal to 5x minus 39y25। तो इसमें भी देखिए सेम पैटर्न है, एक्स एक्स यहाँ पे है और नंबर नंबर यहाँ पे है। तो एक्स को एक्स की तरफ करेंगे और नंबर को नंबर की तरफ करेंगे। तो इस 9 minus 9 39 by 25 को इस ओर ले आते हैं तो हो जाएगा प्लस 39 by 25। और यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, और ये नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे 18 by 25। उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे बराबर का साइन है तो बराबर का साइन दे देंगे, उसके बाद 5x है तो 5x लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 1.2x है तो प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1.2x। अब सिंपली यहाँ पे भिन्न का जोड़ है और यहाँ पे घटाव करना है तो 25 कैल्शियम 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 39 प्लस 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 में से 1.2 घटेगा तो कितना बचेगा। यहाँ पे घटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट के बाद जीरो लगा देते हैं और एक्स लगा देते हैं, इससे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगा। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, पॉइंट है तो पॉइंट एक कैरी लिए तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3.8x बचा। और इधर आप ऐड कर लेते हैं तो 9 और 8 17 का 7, 3 1 4 और एक कैरी 5 by 25 इज इक्वल टू 3.8x। अब ये जो नंबर मल्टीप्लाई में है यहाँ पे 3.8x के साथ इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 57 by 25। और ये 3.8 है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3.8, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। अब इस यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेंगे 2 5 10 5 5 25। अब मल्टीप्लाई कर देंगे वही आंसर हो जाएगा, लेकिन एक बार और कट सकता है, 2 से 38 19 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से आपका एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 57, और 90 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95, ये आपका एक्स का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2.4 इंटू ब्रैकेट का साइन है एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0.6 ब्रैकेट है 3 माइनस 2x, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा, तो ब्रैकेट को हटाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, 2.4 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2.4 और x, और 2.4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 का टेबल अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 72 आएगा, तो 72 और पॉइंट है तो यहाँ पे भी हम लोग पॉइंट लगा देंगे। उसी तरह से यहाँ पे 0.6 है तो 6 3 18, तो यहाँ पे 1.8 हो जाएगा, और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 12 आएगा, और पॉइंट है तो 1.2 हो जाएगा, माइनस का माइनस और एक्स का एक्स। यहाँ पे फिर से इस प्रोसेस को समझिए, 6 3 18 18 है तो 18 लिख दे रहे हैं, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दे रहे हैं, 6 × 2 तो 12 आ रहा है, और यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे भी हम लोग पॉइंट लगा दे रहे हैं, और एक्स है तो एक्स लगा दे रहे हैं। अब पहले जैसा ही क्वेश्चन है, एक्स को एक्स की तरफ कर देंगे और नंबर को नंबर की तरफ कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2.4x और माइनस 1.2 इधर आके प्लस 1.2 हो जाएगा, बराबर का साइन है, उसके बाद जो नंबर है 1.8 वही लिखना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। अब बचा नंबर ये माइनस 7.2, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 7.2। हम लोग ऐड कर लेते हैं, सिंपली दिख रहा है कि ऐड है, तो 2.4 में 1.2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.6, और 1.8 में 7.2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 और 2 10 का 0 7 1 8 और 1 9, और पॉइंट वाद तो जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो इसको कर देते हैं इरेज। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उस ओर भेजेंगे तो क्या होगा, ये 3.6 डिवाइड में चला जाएगा नीचे,
तो अगला प्रोसेस करते हैं, 9 इज इक्वल टू 3.6, पॉइंट हटाएंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड होगा, 12 थ्री जा 36 और 33 जा 90, 4 थ्री जा 12 और 10 थ्री जा 20, 5 टू जा 10 और 2 टू जा 4, तो बच गया x इज इक्वल टू 5/2, आपका ये आंसर हो गया। अगर आप